झाला 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 थैंक यू मैम थैंक यू मैं इस तरह काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिला है रुक गया एक वन मिनट काफी सारे लोग आए थे बाहर काफी सारे काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं कुछ कह रहे हैं Thank you. आराम से आराम से उस साइड लोग को आराम से
जाओ बेटा आगे। हेलो हेलो हो गया, जिसका हो गया वो हट जाइए। जिसका हो गया ना तो हटा दो। The response is really good, you know, and people are loving it. But that too in front of Devra. But there are other films, you know, we've got released. Do you ever thought ki log itna pasand kare? Honestly, I loved the film when I watched it the first time. मैं actually खुद की फिल्म के बारे में बहुत excited थी, but मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा response मिलेगा and लोगों को इतना पसंद आएगा and इतना प्यार मिलेगा. So it's definitely very overwhelming and I'm very grateful and happy. What's your take on this? So response, honestly, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा हो सकता है. लोगों को हंसते हुए मैंने देखा है एक साथ थिएटर में, लेकिन एक पहली बार मैंने एक साथ लोगों को रोते हुए देखा है. इट वॉज़ अ ट्रूली ओवरवेलमिंग फीलिंग. और अभी तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया. हम लोग इधर आए इंटरव्यू के लिए और मुझे पता चला है दैट वी आर एडिंग मोर शोज इन दिस थिएटर इटसेल्फ एंड मैनी अदर शोज. तो बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं कि भाई टिकट मिल सकती है क्या, सारे शोज हाउसफुल हैं. और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म की टिकट नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन या इट्स जस्ट टू गुड. मेरी पूरी फैमिली ने देखी. आई थिंक दे वॉच इट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक ओनली एज द फिल्म वॉज रेडी. मेरी फैमिली पहले देख ली फुल फिल्म एंड सब बहुत खुश थे. सब ने बहुत रोया फिल्म देखने के बाद. सो इट वॉज वेरी वेरी नाइस. आई थिंक एवरी वन गॉट वेरी इमोशनल. वो सबको सबके आंखों में आंसू आए एंड सब बहुत प्राउड थे. नाउ आज यू नो एक अलग तरह की फीलिंग है सीएसएफ की जब हम बात करते हैं. जी नॉर्मली द पीपल स्टेशन एट एयरपोर्ट जी परिवार को दिखाया जाता है. राइट क्या कहना चाहेंगे? दे आर हियर टू सी योर दे आर गेटिंग इमोशनल समवेयर डाउन द लाइन इनसाइड द थिएटर स्टिल बहुत अच्छी फिल्म. ऑनेस्टली मैं वेट नहीं कर सकती अंदर जाने के लिए और उन सबके रिएक्शंस देखने के लिए, उन सबसे मिलने के लिए. आई थिंक उनसे मिलने के बाद ही मैं आपको आंसर कर पाऊंगी. आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इन एंड आई थिंक वील बी गोइंग इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स ओनली. सो एक्साइटेड. इससे पहले कुछ विजिट हुई आपके थिएटर में और कैसे लोगों ने रिएक्ट किया?
ऑनेस्टली कल हम पीवीआर आइकन अंधेरी में गए थे एंड इट वॉज अमेजिंग लाइक द पीपल एवरीवन वॉज क्राइंग एवरीवन वॉज सो हैप्पी एवरीवन हैड सो मच टू से एंड सच नाइस थिंग्स टू से एंड आई थिंक एज एन एक्टर डूइंग माई फर्स्ट फिल्म टू गेट सच अ रिस्पॉन्स एंड गोइंग इनटू द थिएटर विद लाइव ऑडियंस बहुत ओवरवेलमिंग था एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि what it's like to be around the staff because she got mobbed she got pinched she got really crowded is baar hum log security bhi laaye hain yeah I feel like this is a moment I just fell I'm like fallen to the floor ek seat thi aur itna crowd ho gaya tha anjani ma'am that anjani went straight into the seat so kya ab wo you know जब हम जा रहे थिएटर सो आई थिंक पीपल आर गेटिंग द चांस टू सी अस राइट आफ्टर वॉचिंग द फिल्म सो आई थिंक आप जितना फील करते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है जब मूवी जैसे ही खत्म हुए हैं आपके सारे इमोशंस एंड थॉट्स राइट इन योर माइंड है तो आई थिंक दैट्स व्हाई I think from my dada. I think the amount he's watched the movie 4 times and weeped and weeped and weeped. And I think just that is the biggest compliment for me. He does not have to say words. I think just seeing his reaction after watching the film every single time he watched it was enough. What next? Nothing that I can say right now. I don't want to get in trouble. Normally, you know, somebody comes in the industry doing, you know, they right. Does their debut. They come with a love story, you know, right. Plot. You came all together different. Right. Color, you know. Right. What next? Next will be a romantic film. I'm putting my Nazar. Head down. Nazar. I'm. No, it's not Nazar. I'll get killed. My manager will kill me. I think we'll ask him. Let's just move it. I'm doing Goats. It's a musical coming on Jio Cinema in December. So please do watch. I don't know how much I can talk about it. Like, yeah. The last one, the GM has acknowledged the brand. G. Like, India cannot any brand be better. I think the stuff is amazing. I love GM. They're so like the way they're going advanced with technology and the way they're making everything like limiting the devices. I remember one product that I saw of theirs that it auto controls your entire house just one thing. So you don't need 10 remotes, 20 remotes. So I think they're doing a great job. I think their stuff is really modern. It's getting better and better with times. And yeah. Thank you. Okay, he's asking me. No. I thought the younger generation has to have a voice, so I want Naman, I want you to speak. I'm learning voice. I mean, the feeling of it being, we always had this feeling in ourselves that ये एक ऐसी film है जो धीमी आंच में पकी है और इसको समय बहुत लगा लोगों तक पहुंचने में लेकिन इस स्क्रिप्ट को एक्चुअली अगर लोगों को पता हो तो लगभग 6.5-7 साल लग गए हैं यू नो तो कोई एक ऐसा टॉपिक जो इतने साल तक रेलिवेंट है वो बिनियन फैमिली है और ये अनंत अनादि तक जब तक अगली पीढ़ी उसके बाद वाली पीढ़ी ये कहानी चलती रहेगी क्योंकि ये हर घर की कहानी है और महसूस तो यही हो रहा है कि नमन ने बहुत अच्छा मुझे लिख करके मैसेज भेजा ये इसने बोला कि सर आई एम ऑन क्लाउड 9000 राइट तो महसूस क्या बोले मतलब एक शून्यता की तरफ चले गए हैं यार इतनी खुशी और इतना सराहा जाएगा ये बहुत कम उम्मीद थी बट जहाँ कहीं भी जा रहे हैं बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है एंड थैंक्स टू दीज गाइज आई मीन इनकी वजह से मैं भी फेमस हो गया संजय सर प्लीज 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 क्योंकि ना हमने फिल्म के जर्नी के बारे में बात नहीं की है सो आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम नया कुछ बोलें आई थिंक संजय सर विल बी द राइट पर्सन जो इस फिल्म के साथ पिछले 6-7 साल से जिए हैं और शायद ही दुनिया में कोई ऐसी अड़चन होगी जो नहीं आई होगी इस फिल्म को बनने में बट इन सब को पार करते हुए एक मतलब ये हमारे राम हैं मैं क्यों इस मामले में कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं
राम भगवान के जीवन में जो जो सिचुएशंस आई ना, कि भाई आप राजा के बेटे होने के बाद भी 14 साल वन में गए, फिर वहाँ से सीता मैया जो हैं किडनैप हो गए, फिर श्रीलंका जा करके ढूंढना, फिर उनको ले करके आना, फिर धोबी का एक अपना जो कहना, यू नो, बट उसके बीच में उन्होंने कभी वो मुस्कुराहट नहीं छोड़ी, उन्होंने सिचुएशन को सिचुएशन की तरह देखा और अपने कैरेक्टर को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम बना के रखा, वो संजय जी हैं। क्या होता है कि फिल्में दो तरह की होती हैं, एक होती है जो एक प्रोजेक्ट की तरह होता है, एक होता है जो आपका पैशन होता है। जब आप किसी पैशन के साथ किसी चीज़ को लेकर चलते हैं तो फिर उसमें तकलीफें मायने नहीं रखती। तो ये इतना दिल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट था, मैंने खुद इसको लिखा था, खुद इसको महसूस किया था, बहुत शिद्दत से महसूस किया था, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ही नहीं बट आसपास की ज़िंदगी में इस चीज़ों को बहुत बहुत करीब से महसूस किया था। तो कहीं वो था कि ये चीज़ निकलनी चाहिए। और बट फिल्म मेकिंग का एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एक पेंटिंग की तरह कि आपने घर में बैठ के कुछ पेंट कर दिया या एक किताब लिख दी। यहाँ ये है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है आपके सपने को एक मुकाम तक पहुँचाने के लिए। तो उस जर्नी में थोड़ा टाइम लगा, बीच में कोविड आ गया, हमें जब लंदन जा रहे थे वहाँ वीज़ा मिलना मुश्किल हो रहा था, बहुत सारी अड़चनें आईं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं, लेकिन ये है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो लोगों का जो प्यार मिल रहा है शायद भगवान की मर्ज़ी थी कि जो भी तकलीफें हों कम से कम लोगों को बात दिल तक पहुँचे और उनको छुए। तो आई थिंक सबसे बड़ा हार्टनिंग एक्सपीरियंस यही है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, जहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ भी लोगों से मिला हूँ, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो लोगों से कॉल आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो बहुत हार्टनिंग है। तो आई थिंक सारा परिश्रम और सारा 7 साल या 6-7 साल की जो जर्नी है आई थिंक वो सार्थक है। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ना कि वी हैव एक्चुअली ऑब्लिट्रेटेड द बाउंड्री ऑफ बीइंग अ स्मॉल फिल्म एंड अ बिग फिल्म। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो मतलब ऑडियंस के लिए बहुत नई बात होगी जानने में कि हम लोगों ने द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्रू के साथ ये फिल्म की शूटिंग की है। मतलब जो मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट का एक आदमी रहा होगा, मतलब हार्डली 40-35-40 इंक्लूडिंग द एक्टर्स हमारी यूनिट रही थी। सो दिस फिल्म वॉज बिकॉज ऑफ सम रीजन हियर एंड देयर वी ऑलवेज हैड अ वेरी स्मॉल यूनिट टू शूट बट इट्स अ बिग फिल्म। Yeah, yeah. So as we said, they're true stars. We are two stars are born. Yeah. I think इसका आंसर ये बहुत अच्छा देगी। अरे मुझे मुझे इतनी भाई खुशी होती है ना, खास करके इन दोनों के लिए कि इन्होंने वो परिभाषा के बहुत परे जा चुके हैं, जहाँ पे जैसे ही आपको पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री के परिवार से एक लड़की आगे आई है, उसको उस परिभाषा को पार करना, ये शायद इसकी अपनी कला है जिसने उस चीज़ को आप लोगों के सामने रखा। दैट शी इज़ अ प्रिपेयर्ड आर्टिस्ट एंड शी इज़ यू शुड नॉट जज हर बाई द फैमिली शी बिलोंग्स टू and her work is speaking for herself. She her personality speaks for herself, her upbringing speaks for her, you know. So I think ki ye sari cheezon ka ek mishran hai ki aaj ke yug mein itni sulji hui, samjhi hui, sahmi hui aur still ek itni khoobsurat kalakara hamare beech mein hai. It was very sweet. I always be sweet to you. I feel like that. I think मैंने सबसे ज़्यादा अगर कुछ सुना है, I think वही सुना है. So of course, as someone doing her first film, ऐसा सुनना is what you want to hear. So मैं बहुत excited हूँ कि ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है. So I'm very happy. Obviously, 100%. I think मेरे dad ने मुझे notice करा है. उन्होंने कहा कि now that you're getting इतना प्यार मिल रहा है first film में, second में double better करना है. You know that ना? So I think वो रोज़ याद दिला रहे कि you can't now, you have to keep upping your performance. The last one, what message you want to give to the audience? Why they come to be a part of it? I think Naman will be a person because Naman is also part writer of this film, which at this young age, you know, has taken up the baton of being a writer as well. And he is a fantastic actor, as we all know. So I think he can come up with some thought
वो लाइन किसकी है? वो उसकी लाइन है और कोई नहीं सोच सकता है। On the spot, yeah, yeah. Honestly, my only message to the audience is कि हमने ये फिल्म बहुत प्यार, बहुत सिंसियरिटी और बहुत डेडिकेशन के साथ बनाया है और जितना मज़ा हमें आया है अगर उसका 10% भी आपको आए, वो लव ट्रांसलेट हो आप ऑडियंसिस को, तो आई थिंक विल बी सक्सेसफुल। एंड या हाउसफुल चल रहे हैं, अब और शोज ऐड कर रहे हैं, उनको भी हाउसफुल कर दीजिए। एंड जेंजी के लैंग्वेज में जेंजी के लिए अपील कर दो ना। मेरा ये कहना है कि हर जनरेशन की ना हर समय में अपनी चुनौतियाँ होती हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मुझे लगता है कि हर जनरेशन को ना एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू से। कोई विलन नहीं होता, कोई हीरो नहीं होता। सिचुएशंस होती हैं जो आपको एक दूसरे की नज़र में विलन बना देती हैं। सो कोई ऐसा बुरा नहीं चाहता परिवार में किसी का, लेकिन सिचुएशंस कभी ऐसी हो जाती हैं। तो एक दूसरे को जज ना करें, समय बिताएं। क्या होता है ना कि हवा, पानी और भोजन की तरह ना हम परिवार को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बाद में जब समय गुजर जाता है फिर हमको एहसास होता है। तो वो उसका वेट मत कीजिए। अगर आप बिजी भी हैं, जाके दो मिनट पापा के साथ बैठ लीजिए, जाके दो मिनट दादा दादी के साथ बैठ लीजिए। यू नेवर नो व्हाट जेम विल कम आउट ऑफ दैट। सो ये आई थिंक मैं कहना चाहता हूँ थ्रू द फिल्म कि डोंट वेट फॉर अ ड्रामेटिक इंसिडेंट टू हैपन इन योर लाइफ एंड देन रियलाइज कि ओ आई शुड डू इट। या आपका वो गिल्ट हो, चाहे जो भी चीज़ हो, या आपका अकेलापन हो, उसकी वजह से प्रेरित होकर आप वो चीज़ ना करें, जेन्युइनली करें, ऑर्गेनिकली करें, और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा जेम मिले जो आप जिंदगी भर उसको चेरिश कर पाएं। मैं तो यही बोलूँगा कि अपने इस अनुभव से मैं कह रहा हूँ, कल पीवीआर ओबरॉय मॉल गोरेगांव में मैं जो फिल्म देख रहा था, फिल्म ख़त्म हुई और जब सारे लोग आए, उसमें आखिरी में एक महिला बहुत देर से मुझे ऐसे दिख रहा था कि वो इंतज़ार कर रही हैं कि भीड़ थोड़ी छटे फिर वो मेरे पास आए। वो भीड़ छटने के बाद वो आई और उन्होंने मेरे कंधे पर सर रखा और वो लगभग 3 से 4 मिनट रोती रही। तो मैं भी खामोश था, मैंने भी उनको इस तरह से आलिंगन किया हुआ था और मैंने पूछा कि क्या दर्द महसूस हुआ और क्यों आप इतनी बिलक बिलक के रो रही हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी 1 महीने पहले गुजरे हैं और इस फिल्म ने मुझे मेरे पिताजी की ना सिर्फ याद दिलाई बल्कि उनकी छवि भी दिखाई और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मेरे जीवन में रह गई जो मैं उनसे कह नहीं पाई। सो आज मुझे लग रहा था कि वो मौका मिस हो गया मुझसे और उसी याद में वो इतनी तड़पी हुई थी। तो इस फिल्म ने मतलब आपके जीवन के एक अनुभव को साझा किया है और उसको जब आप चलचित्र की दुनिया में 70 mm पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने दृश्य को, अपने चरित्र को इस फिल्म के थ्रू जी सकते हैं। आई थिंक इन्होंने सब कह दिया। शिट मेरे बारे तक सबने सब कह दिया है, बट मैं कहूँगी कि थैंक यू इतना प्यार देने के लिए एंड सारे शोज हाउसफुल करने के लिए। एंड नाउ वी आर इंक्रीजिंग द शोज, सो आप सब जाइए जल्दी जल्दी फुल फैमिली के साथ जाइए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट द फिल्म आल्सो सेज इज दैट इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। And increasing the show is happening only because of you all, because of the public demand. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.